रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जलगांव के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, मैं भी अंदर से बहुत खुश हूं, आप भी खुश हो जाइए। खबर है, सच होगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन खबर अच्छी है कि जलगांव में आने वाले 6 महीनों में सड़कें बन जाएगी, सड़कें चकाचक हो जाएगी, ऐसा मुनपा के अधिकारी, महापौर सभी लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये आप अपने दिमाग में सोचिए, लेकिन अगर 6 महीनों में सड़क बन जाएगी जैसा कहा जाता है और कहा गया था दिसंबर महीने के 11-12 तारीख से सड़कें बननी शुरू होगी वगैरह, भगवान करे कि ये जो बात है वो सच हो जाए, क्योंकि लगभग 5-6 सालों से जनता त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है। विधायक जी के आश्वासन से लोग परेशान थे, आइए आपको विधायक जी का आश्वासन सुना देता हूँ। विधायक राजू मामा भोले थे जिन्होंने भोले भालेपन में ये कह दिया था कि सड़कें बन जाएगी और गड्ढे खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह, हुआ कुछ भी नहीं। आज भी हम उसी गड्ढों पर सफ़र कर रहे हैं, गड्ढों के रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं, पीठ का दर्द झेल रहे हैं, आंखों में धूल झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी सुनने वाला है, कोई सुना है। मनपा को पैसे भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि आपकी सड़कें बन जाएगी। सड़कें अच्छी बने इसके लिए भ्रष्टाचार ना हो तभी सड़कें अच्छी बन पाएगी। अब भ्रष्टाचार कितना होगा, कहाँ होगा, ये तो कोई आरटीआई वाला जो है वो आगे चल के निकाल ही लेगा। अगर नहीं हुआ भ्रष्टाचार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सड़कें बननी चाहिए। दूसरी एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती है कि कई जगहों के पार्षद शायद निकम्मे हैं, क्योंकि उनके एरिया में सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन कई पार्षद ऐसे भी हैं जिन्होंने गड्ढा, जो अमृत योजना के गड्ढे वड्ढे हो गए थे वो सब सही करा लिया, उन्होंने अपने पैसे से तो नहीं कराया होगा। नगर सेवक के पास इतने पैसे कहाँ आते हैं कि वो जनता के लिए खर्च कर पाए, लेकिन जहाँ से भी करवाया उन्होंने अपने काम करा लिए। कई पार्षद तो हैं सीमेंटेड रोड बना चुके हैं अपने एरिया में, तो वो कर सकते हैं, तो फिर आपके और मेरे पार्षद नहीं कर सकते हैं, तो गलत बात है। और इसको ध्यान में रखिए आप, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें चुनाव के लिए ध्यान में रखिए। जब चुनाव आता है तो किसी लालच में मत पड़िए, चुनाव आता है तो इन पार्षदों की हरकतों को ध्यान में रखिए और इन पार्षदों को चुनाव के जरिए ही आप सजा दे सकते हैं। जय हिंद। प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजे रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है।